हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ गर्मा गर्म कचौरी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े से बॉल में मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें देसी घी ऐड करूंगी, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लावर में। अभी हम इसे वॉर्म वाटर के साथ गूंद लेंगे। धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें इसे अच्छे से नीड करना है। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हमारा आटा जो है नीड होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अभी हम इसे किसी बर्तन में निकाल के आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अभी हम सब्जी के लिए पोटैटोस जो है मैश करेंगे। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अभी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अभी हम इसमें जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और तेज पत्ता ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अभी हम इसमें एक चम्मच बेसन ऐड करेंगे। इसको लगातार हिलाते रहेंगे और रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अभी हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें मैश किए हुए पोटैटोस जो है ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि हम इसे 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और यहाँ पर इसमें मैं ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स जो मैंने क्रश कर लिए थे उसे ऐड किया है। सॉल्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में ही कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम सब्जी को 15-20 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे।
बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और मैंने इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये हमारी सब्जी रेडी है फ्रेंड्स। हमें सब्जी की ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी हम पोटैटोज मैश करेंगे हमारी कचौरी की फिलिंग के लिए। ये कंप्लीटली मैश होने चाहिए अच्छे से। अभी हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा, इसे थोड़ा पका लेंगे और इसमें पोटैटोज ऐड कर देंगे। एक आध मिनट के लिए इसे पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, मैंगो पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक दो मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम अपनी कचौरी जो है उसे बनाएंगे। इतने साइज का पेड़ा लेंगे और इसको हाथ से ऐसे बड़ा कर लेंगे। अभी हम इसमें पोटैटोस ऐड करेंगे और इसकी साइड्स जो हैं वो अच्छे से बंद कर देंगे। अभी हम इसे रोलिंग पिन से धीरे धीरे से बेल लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमारा जो ऑयल है वो हीट अप हो चुका है। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब थोड़े से बबल्स आएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी कुक हो गई है। ये हमारी कचौरी रेडी है। इसी तरह से हम बारी बारी सारी कचौरियाँ जो है फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ और थोड़ा सा अनियन। ये हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल कचौरी रेडी है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और भी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।